कुरुक्षेत्र में सभी स्कूल मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर सरकार के आदेशों के चलते आज दूसरे दिन भी बंद रहे। सीनियर मॉडल स्कूल की प्राचार्या प्रोमिला बत्रा के अनुसार शिक्षा विभाग के आदेश हैं कि मौसम विभाग के अलर्ट के चलते दो दिन विद्यालय बंद रखे जाएं, ताकि बच्चों को क्षति न पहुंचे और बच्चे सुरक्षित रहे, जिस कारण स्कूल बंद किए गए हैं। वहीं स्कूल में अचानक हुई छुट्टियों को लेकर अभिभावकों का कहना है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से बच्चों की छुट्टियां अच्छा कदम है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के माहौल में पढ़ाई का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी की जाए। तो ये अच्छा कदम था, सरकार प्रिकॉशनरी इसको ले रही थी कि तूफान अगर ज्यादा हो जाता है या कोई भी हानि हो जाती है कोई भी, तो बच्चों का ख्याल रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सरकार की बनती है, जो कि सरकार ने अपना कार्य करा। लेकिन इसके अंदर कुछ गलतियां सरकार से हो गई कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन से एरिया में ज़्यादा तूफान का प्रभाव है या कौन से एरिया में कम प्रभाव है। जहाँ पे जो ज़्यादा प्रभावित एरिया थे उनको थोड़ा सा देखना चाहिए था, और बच्चों का जो स्कूल का नुकसान हुआ उसकी तरफ भी देखना चाहिए था कि दो दिन की छुट्टी एक बहुत बड़ी, आजकल इतना जो प्रतिस्पर्धा का माहौल है उसके अंदर दो दिन की छुट्टी बच्चों की मायने रखती है। दो दिन की उनकी पढ़ाई खराब होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो सरकार को इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, और जहाँ ज़्यादा प्रभावित इलाके थे वहाँ छुट्टी कर देनी चाहिए थी, बजाय कि सभी चारों तरफ बंद कर देना, एक ये अच्छी बात नहीं थी। और मैं अब चाहूँगा कि जो छुट्टी सरकार की तरफ से की गई है दो दिन की, उसकी जगह जो आगे आने वाले अवकाश हैं उन पर स्कूल लगा कर इस नुकसान की भरपाई की जाए। ये बहुत ही हरियाणा सरकार के आदेशानुसार शिक्षा विभाग के अनुपालना करते हुए तूफान की आशंका को लेकर जो सूचना दी गई थी विद्यालयों के लिए कि दो दिन के लिए विद्यालय बंद रहेंगे, तो उसी संबंध में कल और आज दो दिन के लिए विद्यालय बंद कर दिया गया। ताकि जैसा आदेश था कि स्कूलों में सबसे ज़्यादा बच्चों की भीड़ होती है, अगर ऐसा कोई संभावना ऐसी कोई आशंका से कहीं कोई क्षति होती है तो बच्चों को वो क्षति ना पहुँचे, बच्चे सुरक्षित घरों में रहें, इस सावधानी को बरतते हुए विद्यालय बंद किया गया था। हिंद एक्सप्रेस के लिए कुरुक्षेत्र से भारत साब्दी की रिपोर्ट।